हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। और हम पढ़ रहे थे जो लेक्चर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाले टर्म को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसमें हमने लेक्चर नंबर 4 में जो पढ़ा था, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यानी बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लीनियर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है फ्रेंड्स, ये होती है हमारे पास इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर एक्स एंड वाई टू द पावर एन। यानी जो सिंपली हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम पी एक्स फंक्शन मानते हैं, पी एक्स और वाई, यानी इस तरह की फॉर्म जो हो उसको हम कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इसमें, अगर इसमें और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर देखा, सिर्फ ये डिफरेंस है यानी वाई टू द पावर एन उसमें नहीं है, इसमें ये वाई टू द पावर एक एन एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वाई टू द पावर एन का हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाता है हमारे पास वन अपॉन y टू दी पावर n dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स, और y टू दी पावर n का डिवाइड करेंगे तो y वन यहाँ पे एक है ही, तो ये y टू दी पावर n माइनस वन रह जाता है इक्वल टू आर एक्स। अब ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहां से हम क्या करते हैं, लेट y वन अपॉन y टू दी पावर n माइनस वन बराबर t, वन अपॉन वाई एन माइनस वन बराबर टी मान लेते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं वाई टू दी पावर माइनस वन माइनस एन इक्वल टू टी। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस ये आगे आ जाएगा माइनस वन वन माइनस एन, ये टर्म आगे आ जाएगी वाई टू दी पावर माइनस वन माइनस एन माइनस वन, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से इस टर्म को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हम वाई टू दी पावर एन माइनस वन, वाई टू दी पावर एन माइनस वन, तो ये भी माइनस एन माइनस वन है, एन माइनस वन यहां पे एन माइनस वन है, ये हो गया। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ये भी n माइनस वन है, ये हमारे पास माइनस n माइनस वन y टू दी पावर, इसको अगर देखें इसको खोले तो माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस वन और माइनस वन, ये वन से वन कट जाएगा, तो y टू दी पावर माइनस n और ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। या यहां से हम देखें तो यहां से हमारे पास आ गया वन अपॉन इसको y की पावर, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन y की पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस n माइनस n माइनस वन, इसके अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन अपॉन n माइनस वन और डी टी ओवर डी एक्स, ये हो गया। यानी ये जो टर्म थी हमारे पास, ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, जब ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एन माइनस वन डी टी अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई एन वन अपॉन वाई टू अपॉन एन माइनस वन को टी माना था, तो पी एक्स डॉट टी इक्वल टू आर एक्स। अब अगर हमें एन माइनस वन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सभी तरफ माइनस एन माइनस वन का, माइनस का भी मल्टीप्लाई करें और एन माइनस वन का, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन पी एक्स इक्वल टू माइनस एन माइनस वन आर एक्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, और साथ में यहाँ पे टी भी है फ्रेंड्स,
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये फंक्शन पूरा हम px x का फंक्शन मान सकते हैं, ये एक t अलग से वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, n माइनस वन आर एक्स ये एक x का फंक्शन है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। अब इसको सिंपलाइजेशन में प्रीवियस वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड पढ़े थे, उन्हीं मेथड्स की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से और क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो एग्जांपल मैं लेता हूँ ये मोस्टली पूछे जा चुके होते हैं यूनिवर्सिटी में कई बार। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स वाई टर्म को इधर लेके, तो ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे हमारे पास वाई की जो हाइएस्ट पावर क्या है, क्यूब, यानी वाई क्यूब का हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस टर्म को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई क्यूब। वाई क्यूब का डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे भी हमारे पास वन अपॉन वाई क्यूब आएगा इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया। तो ये वाई अपॉन वाई क्यूब जो है ये डिवाइड होके ओनली टू रह जाएगा। अब ये जब टू रह गया तो हम यहाँ पे करते हैं वन लेट वन अपॉन वाई स्क्वायर बराबर टी, या वाई टू द पावर माइनस टू बराबर टी। यहां से तो फिर माइनस का अगर डिफरेंशिएट करें तो माइनस टू आगे वाई टू द पावर माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस सॉरी माइनस टू और माइनस वन होता है, तो माइनस थ्री डी वाई इक्वल टू डी टी, या यहां से लिख सकते हैं वन अपॉन वाई टू द पावर थ्री डी वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू को डिवाइड कर दे तो माइनस वन अपॉन टू माइनस यहाँ के आगे आ जाएगा, और ये हो गया माइनस वन बाई टू डी टी। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहां से अगर ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर जब ये हो गया तो हम यहां से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के लिए सिंपली वन अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह माइनस वन अपॉन टू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, और ये वन अपॉन वाई स्क्वायर को टी माना था, ये हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें माइनस टू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस टू का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा टू एक्स टी इक्वल टू एक्स क्यूब, और टू माइनस का माइनस टू को मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहां से इंटीग्रेटिव फैक्टर, क्योंकि अब ये जो फॉर्म है ये लीनियर फॉर्म है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लीनियर, जैसे लीनियर को हमने सॉल्व किया था ऐसे ही करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर बनाना होगा। इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा तो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर बराबर ई टू द पावर पी डी एक्स, यानी यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है टी, तो यहां पे हमारे पास ये पी एक्स का फंक्शन हो गया, तो यहां पे e टू द पावर टू एक्स ऑफ डी एक्स, यहां से हो गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, क्योंकि इसका सॉरी यहां डी एक्स यहां पर है, इंटीग्रेशन किया तो e टू द पावर टू एक्स ये आ गया इसका, ये हो गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन लिखते हैं, तो टी डॉट e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास माइनस, जो माइनस को बाहर आगे लिख दिया, और टू को एक्स क्यूब डी एक्स। अब एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स। अब फिर एक्स स्क्वायर बराबर हम टी मान लें, लेट एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन टू। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया माइनस टू ई टू दी पावर टी, ये हमारे पास टी एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू,
तो डी टी अपॉन टू से ये टू कट जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, ये टर्म आ चुकी है। और फिर हम देख रहे हैं हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी ये इंटीग्रेशन बहुत काम आया था और ये भी काम आया है हमारे पास। मतलब हमने तीन एग्जांपल पढ़े जिसमें फाइनली यही इंटीग्रेशन बन के आ रहा था। तो टी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये हो गया टी माइनस वन ई टू द पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। यहां पर हमने एक मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है, एक्स स्क्वायर को भी टी मान लिया है और जो हमारे पास सॉल्यूशन चल रहा था वहां पे भी हमने उसमें वन अपॉन वाई को भी वन अपॉन वाई स्क्वायर को भी टी माना था, तो एक्स स्क्वायर को हम टी ना मान के एस मान के करेंगे। तो यहां से डी एस अपॉन टू हो जाएगा, ये हमारे पास ई एस एंड ई एस आएगा ई एस ES। तो अब T और S की वैल्यू, जो T की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1 अपॉन y स्क्वायर, तो e टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस S की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 1 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। ये हो गया, या e टू द पावर माइनस x स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस 1, या x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x स्क्वायर, और ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने तो ये तो वन हो जाएगा प्लस सी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टेन वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स सेक वाई। फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली हमारे पास वाई टू द पावर एन की टर्म नहीं आ रही है, बट लेकिन ये भी जो इक्वेशन है एक बर्नौली फॉर्म की इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो y की टर्म बनेगी उसको हम सपोज t या कुछ मानेंगे, उसके बाद ये sec y को जब इसका डिवाइड करेंगे जो टर्म बनेगी वो बर्नौली के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगी। जैसे सपोज sec y का हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, या आप कहें cos y का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos y का मल्टीप्लाई करने पर sec y डॉट cos y वन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास cos y dy अपॉन dx माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टेन वाई को क्या लिख सकते हैं साइन वाई अपॉन कोस वाई, और कोस वाई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली साइन वाई इक्वल टू वन प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स हम साइन वाई को कुछ मान लेते हैं, लेट साइन वाई बराबर टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टी एक्स। ये हो जाएगा क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारे पास, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, और ये हो गया टी इक्वल टू वन प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स। अब फिर इसको देखा तो ये लीनियर फॉर्म है हमारे पास, लीनियर फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका, e टू द पावर पी डी एक्स होता है तो e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स ऑफ डी एक्स, यानी ये हो गया e टू द पावर माइनस लॉग एक्स। यहां हो गया ये हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास सॉरी वन वन प्लस एक्स, ये हो गया, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स
तो ये हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब सॉल्यूशन लिखना चाहें तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा हमारे पास टी डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट हैंड साइड में क्या था वो था एक्स प्लस 1 ई टू द पावर एक्स। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, ओनली बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इसको हम ई टू द पावर एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यानी यहां से हमारे पास अगर टी की वैल्यू पुट कर दे तो टी की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास टी बराबर क्या था, टी बराबर था हमारे पास फ्रेंड्स कोस एक्स, सो साइन वाई था, साइन वाई था तो